अचार जी, अचार मीट हम तो ऐसे से बच रहा हूँ। ये खाने से कैसे होगा, ये दर्द लगता है। आज के लिए सब्जी ये पोटैटो और ये स्नेल मिक्स करके इसको पूरा फाइट भी खेलता हूँ। तो हम तो थोड़ा थोड़ा ये देखो प्लेट थोड़ा भी मिल गया। बेगूता से गोता वो थोड़ा थोड़ा मिलता है, वो खेती सफा करने टाइम में वो पका रहा है ऊपर। सो हेलो एवरीवन, वन सेकंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं जो हूँ आज आप लोग का, हम लोग हमारे विलेज लाइफ कैसे रहता है, विलेज लाइफ का ब्लॉग दिखाने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग धान खेती पे आए, तो धान खेती में कैसा ग्रास निकलता है, तो ग्रास सफा करने के लिए आए। तो छोटा छोटा ग्रास आता है, तो अभी ग्रास निकालने का सीजन हो गया, तो कैसा निकलता है वो दिखाने के लिए आज मैं वो ब्लॉग आप लोग को दिखाऊंगा। तो मैं मेरा भैया लोग को हेल्प करने के लिए आया हूँ। तो गाइस आप लोग भी वीडियो को अंतिम तक देखते रहे, अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना मत भूले। तो गाइस आज का ब्लॉग देखते हैं, आज का ब्लॉग कैसा रहेगा। ग्रास ऐसा निकलता है, ये हम लोग पहचानना पड़ता है। ये मेरा भैया और भाभी है, ये हमारा जीजाजी है, एक बार हाई बोल दो। हाय, आई लव यू। और देखिए इधर करना जरा। तो गाइस अभी मैं इधर का ग्रास जो है निकालने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए अभी हम लोग कैसा निकल रहा है इधर का। तो हम लोग बहुत प्रोफेशनल है निकालने के लिए। इधर में हम लोग कैसा है, इधर में भी देखो हम लोग कैसे इधर में दुख कर रहा हूँ। तो ये इधर फार्मिंग से इधर मार रहा हूँ, जो सो वो भी नहीं। ये बीता में जहाँ तो नहीं उखालना होगा। ये देखो ये नहीं होने से तो लगा थोड़ा भी मिल गया। हम लोग थोड़ा भी खाता हुआ ना। ये स्नेल है, स्नेल इधर में स्नेल खाता है। इधर का लोग मैं इतना दुख कर रहा हूँ इधर में, थोड़ा बड़ा बड़ा ये धार सार ये क्या ये ओमला सामला भी गया सब। अभी इधर पानी भी कम है, इधर में बहुत दुख है, इधर में नोंगसंग भी गया। इधर में हम लोग काम कर रहा हूँ, इधर में कितना थोड़ा मिला है वो देखो, इधर देखा ले जाएगा ये। ये थोड़ा ही है विलेज इधर इराखोर मणिपुर उखलुंग विलेज है। इधर में हम लोग इधर में कितना दुख काम कर रहा हूँ, हम लोग कर रहा है इधर में नोंग सोंग भी सब गया। वो हम लोग को वो एक दीदे ऊपर में हम लोग के लिए, वो हम लोग को तो बहुत बेकार है। वो मित ओ मंगसू संगसू किनने के लिए भी पैसे नहीं है, इसीलिए हम लोग तो वो जो बेगूता से गोता वो छोरा छोरा मिलता है, वो खेती सफा करने टाइम में वो पका रहा है ऊपर में। ए तो गाइस मैं तो अभी आ चुका है और अभी चाय पीने के लिए बुला रहा है, चाय पीने के लिए जा रहे हैं अभी हम लोग। वो भी चाय भी हम लोग वो दूसरा नहीं पीता है, हम लोग तो हम लोग बनाता है वो पीता है, ऐसा काम भी करता है। देखो ऐसा 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 मारकर ऐसा फेंकना भी पड़ता है। वो जो आदमी लोग तो बहुत जल्दी भी करते है, हम लोग तो बहुत स्लो टाइम में करता है ऐसा। देखो इधर में कितना ग्रास आ रहा है, इधर कितना मुश्किल पड़ रहा है हम लोग भी। चलो चलो चाय पीने का, चलो चाय पीने का टाइम हो गया। अभी हम तो नहीं पिएगा, अभी हम लोग का भाभी जो है भाग जा रहा है। इधर में लड़का लोग भी सब काम करता है ऐसे ही। ये हम लोग का इधर में लंच बनाने का घर है, छोटा सा है। और ये देखिए ये गम्बूट है, काम करने के लिए पहनना पड़ता है, तो मैंने भी पहन चुका है। और ये सामान लेने के लिए बास्केट है, और ये लकड़ी, और इधर में ऐसा आग जला के बनाता है। विलेज लाइफ बता दो दीदी, एक दो बात बता दो ना, एक दो बात आप क्यों भन्न नहीं, आप कैसा काम करता है बता दो। हम कैसा काम करता है ना, हम भी
थोड़ा ही खाता है, काम करता है ना ना। बोल ना। ये हम लोग का ये लोकल वाइन है, ये राइस बियर है। हम लोग ये लोकल वाइन पीता है, दिन में काम करके थक जाता है ना, तो हम लोग ये राइस बियर पीता है। तो आज ऐसा ही हमारे विलेज लाइफ, देखो खेती कितना सा बड़ा सा है, ये सब हम लोग ये खेती करता है, इतना बड़ा सा खेती देखो आप लोग। तो आज का हमारा मालिक है, आज का ओनर है, ये खेती का ओनर है, ये बहुत दारू पी के अभी ये राइस बियर बहुत पी चुका है। तो आज के लिए सब्जी, ये पोटेटो और ये स्नेल मिक्स करके इसको सब्जी बनाने वाला है, वो भी बिना ऑयल का। हम लोग बॉयल खाता है इधर में सिर्फ। तो अभी हम लोग काम करके पैक आ चुका हूँ। तो देखो ये बूट है, आज का जंगल बूट, ये गमबूट पहन लिया है। तो अभी हम लोग काम कंप्लीट करके अभी आपके हम लोग लंच करने के लिए आए। तो लंच के लिए इधर में आलू रेडी हो रहा है, स्नेल रेडी हो रहा है, आप लोग को मैंने आगे भी स्नेल दिखा दी। हम तो बहुत रस बियर पीने अपने काम भी करता हूँ। हम तो अभी जो बहुत काम भी करते है, अभी रस बियर भी पीता और खाता वो पूरा फाइट भी खेलता हूँ। तो हम तो थोड़ा थोड़ा नेपाली भी जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा नागामिस भी जानता हूँ। हम लोग इधर खेती बारी में आए हैं। खत्म फिनिश। आपको भी कुछ कहने के लिए आप कुछ बोल दो। हम तो ऐसे से बस रहा हूँ। ये खाने से कैसे होगा, ये दर्द लगता है। खा दे। कितना तक खा सकता है? उसका छोटा भाई का दे देगा। सब्जी के लिए रेडी हो रहा है अभी। देखो प्रेम ये देखो, ये चिल्ली है इधर का, मणिपुर का नागा चिल्ली है, उमर का है। चिल्ली है, चिल्ली आज का सब्जी है सब। हमी तो बैम्बू स्वीट आज का, ये देखो आज का सब्जी, सब ग्रीन वेजिटेबल, सब ऑर्गेनिक है। अभी हम लोग जो है काम के लिए निकल रहे, चाय चाय पी के लंच कर। ये स्टेप कंप्लीट हो गए, दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं। आप लोग ये काम करो, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है काम करने में। लेकिन मेरा नेल जो बहुत दर्द कर रहा है। अभी न्यू स्टेप, फिर से नया स्टेप जा रहा है हम लोग। हमी नहीं खाम ना, ओ ना इधर ले, इधर हम लोग भी पिएगा। तुम एक लेकर भाग जा रहे। हमी से खोया, हम लोग खोया है। तो गाइस अभी मैं खेती से रेडी हो चुका हूँ, और अभी मैं जो आप लोगों को मैं इरुम्बा बना के आप लोगों को दिखाने वाला, और मैं अभी खाना बनाने के लिए आया हूँ। तो अभी रेडी हो चुका हूँ, और ये देखो ये स्मेल भी रेडी हो चुका है। अभी इसको सब्जी पे डालना है, सब्जी पक रहा है अभी। तो ये देखो ये उमरक, ये मणिपुर का चिल्ली है, ये फेमस चिल्ली है, एक वर्ल्ड का फेमस चिल्ली है। और अभी इसको मिक्स करना पड़ता है, ये की बन सोच रहा था, ये एंडेम बोलता है इसको। ये बॉयल कर चुका है, और ये ड्राई उमरक है चिल्ली है, और ये पोटैटो। अब इसको मिक्स करना पड़ता है। तो मैं जो खाना सब्जी बनाने के लिए आया हूँ, मेरा रेडी कर चुका है। तो आप लोग ये पीछे में देख सकते हैं, ये अभी सब्जी रेडी हो रहा है। तो इसको अभी हम लोग ये बना के रखना ना।
और ये देखो ये सब्जी है तो अब ये जो आलू है तो इसको बाद में हम लोग ये स्नेल डालेगा उसके अंदर में। तो अभी मैं जो इरुम्बा बनाने जा रहा हूँ ये हाँ सब यो ये डॉग के है चिकन है डॉग के देखो ये इसका ओनर इसको जाता है हमारे जीजा जी इसको गौर से देखो आराम से देखो। अभी हम लोग सब्जी बनाने के लिए हम लोग को ड्यूटी मिला है हमको ये काम इतना नहीं है ना हमने सब वो धान का पेड़ ही निकाल दिया इसके लिए हमको रिजेक्ट कर दिया उधर से। तो चलो गाइस चलते हैं अभी हम भी खाना सब्जी बनाने वाला है। ठुला नाम गाइद ना तुम गाइद ना लंच खाने का टाइम हो गया अभी हम लोग दिन का खाना खा रहे हैं। सब्जी अच्छा जी अचार मीट खाना सब खाने के लिए रेडी है। गाइस अभी हम लोग जाने के लिए रेडी हो चुका है और आज का ब्लॉग इतना ही था। तो अभी बारिश भी हो रहा है और अभी शाम का 5:30 हो चुका है और बैग सैग लेकर अभी हम लोग जाने लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं। अब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।